कि कहीं ना कहीं भाजपा इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार के सामने महागठबंधन को इसका पूरी तरीके से लाभ मिले, लेकिन युद्ध की नीति के स्तर पर इसको किया गया। कि सर, जाति आधारित जनगणना की जो कवायदात शुरू हुई थी, इसके लिए अगर आपके पास कोई एक शब्द हो तो कौन सा शब्द आप चुनेंगे? देखिए, ये बहुत सोच समझ कर ये बात बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेवारी से जी। पूरे दिन कई लोगों से, लगभग सभी जातियों से मैंने बात की, और ज़्यादातर तो पिछड़ी जातियों के लोगों से, नेताओं से ही बात मेरी हुई है। अविश्वसनीय। कैसे अविश्वसनीय? जब कुछ बहुत अच्छा लगता है तब भी कहा जाता है कि शानदार, अविश्वसनीय। जब विश्वास नहीं होता तब भी कहते हैं लोग अविश्वसनीय है ये बात आपकी। एक बड़ा हिस्सा विश्वास नहीं कर पा रहा है जी। आप कहिएगा कि सवर्ण नहीं, जय बतियाई कुर्मी कोयरी से, जय इंतजार कर रहा है जी। मलाह से बात कीजिए, इंतजार कर रहा है। सवर्ण तो इंतजार कर ही रहे हैं, राजपूतों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई जी? बिल्कुल। राजपूत विधायक इस प्रदेश में कितने हैं जरा पता कीजिए। आपने तो सीधा उनको हक मार बता दिया, संख्या कम है और हक मारी कर रहे हो, यही ना साबित हुआ? आज ये जो परिस्थितियां सामने आई हैं, ये क्या साबित करती हैं? कि कुछ जातियों को तो दुगुना तिगुना होने का भ्रम था और वो कहां के सिमट गई। पूरे आंकड़े में यादव जाति का लगभग जो 15% 16% के आसपास हम लोग को अंदाजा था, 14% का आया है वो आंकड़ा मुझका, तो वो विश्वसनीय है। हालांकि उसमें मुझे लगता है कि 2% की कमी लग रहा है मुझे, चलो कहेंगे कि और बढ़ा ही दो और, लेकिन जो हम चर्चा करते हैं तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं, पूरे देश भर के पत्रकारों से हम बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, चुनावी रणनीति में जो हम दावा करके आते हैं उतना ही जीतार का फैसला होता है। तो हमारे दिमाग में भी तो कुछ जातिगत जनगणना चलती रहती है क्षेत्रीय स्तर पे। अब हाँ, इतना बड़ा देश है, प्रदेश है कि मैंने अब 13 करोड़ समथिंग लोग, देखिए हमने कहा था ना, हम बार बार जब चर्चा करते थे, हमने विश्लेषण किया तो 13 करोड़ समथिंग बताया है बिहार की जनसंख्या, उतना ही निकला जी। बिल्कुल। तो एज अ होल तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कौन सी जातियाँ कितनी है, लेकिन क्या कुशवाहा 4% है पूरे प्रदेश में? बहुत बड़ा सवाल है जी। और यही कुशवाहा जाति बार बार कह रही थी कि हमारा हक मारा जा रहा है। कौन मार रहा है हक इनका? जो 30-35 साल से शासन में होगा वही ना मारेगा जी। अब इसके तो भाजपा को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसके लिए ठाकुर साहब को दोषी नहीं ठहराइएगा ना, कि ठाकुर साहब का कुआं में हक मरा गया। ठाकुर साहब के कुआं बहुत कुछ मरा सकता है, लेकिन हक तो नहीं मराएगा, ये तय है जी। और ये हक अगर किसी ने मारा है तो उसको चिन्हित करना पड़ेगा। खैर, ये तो कहने की बात है। निश्चित तौर पर एक अविश्वसनीय आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े से कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हो गई, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन इस आंकड़े ने पैदा कर दिया। मतलब कहने के लिए, जिस समस्या के समाधान के लिए इस समाधान को लाया गया था, इस समाधान ने कुछ और बड़ी समस्याएं पैदा कर दी हैं। व्यवधान उत्पन्न कर, समाधान से व्यवधान हो गया है। और ये व्यवधान देखिए, केवल मतलब ये मत, फिर मैं वही कहूंगा, फिर मत सोचिए कि सवर्ण ही खाली नाराज होंगे, सवर्ण तो नाराज होंगे करेंगे। ब्राह्मणों से कहीं ज्यादा राजपूत और भूमिहार इस प्रदेश में हैं, ये दावा शुरू से किया जाता है। अब ब्राह्मण ज्यादा हो गए, तो इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? इसमें भी नाराजगी है, पेश तो और भी है जी। अब इतना सवर्णों का जनसंख्या जो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जोड़ने पर वही पूरा नहीं हो रहा है, उसमें भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस जातीय जनगणना को लेकर जो आपने एक डेटा तैयार कर रखा है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम फ्लो चार्ट की तरह बढ़ेंगे उस पर। जातीय जनगणना का जो हमने सर तैयार किया है, सबसे पहला मुद्दा हमारे पास यही है कि जातीय जनगणना की कुछ खास बातें हैं जी। तो हम चाहेंगे सर वो 5 खास बातें जातीय जनगणना की हमारे दर्शकों को बताना। हाँ, ये जानना जरूरी है। निबंध में सबसे पहले यही होता है जी कि भाई जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसके 4 हाथ 4 पैर 2 आंखें ये होना चाहिए। देखिए, इस जातीय जनगणना में कुछ 5 बड़ी जो खासियतें रही और 5 जो चीजें तय करती रही इस जनगणना की, हर डेटा सार्वजनिक होने तक को लेकर, वो ये है कि पहला, कहीं ना कहीं जातीय जो जनगणना है ये राजद की मांग थी। लालू यादव अपना 2015 का ट्वीट आज रिट्वीट करते हैं। तेजस्वी यादव पहले नेता हैं जिन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा की
और नीतीश कुमार के विरोध में रहते हुए उन्हें कहा कि चलिए हम लोग भाजपा से बात करते हैं, मोदी जी से बात करते हैं, देश भर में कराते हैं। इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा वो सब जानता है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। इस देश में मैं शुरू से कहता हूँ कि 70% जनसंख्या पिछड़ों की है, ईबीसी की है, ओबीसी की है। और देखिए बिहार में तो निकल गया नकड़ा, 63% के आसपास ओबीसी ईबीसी है। तो ये तो साबित हो गया कहीं ना कहीं हमारा एक और दावा जो हम करते थे बार बार। तो तेजस्वी यादव को इसका पूरा फायदा हम मिलते देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को इसका श्रेय भी मिलना चाहिए। दुश्मन हो दोस्त हो, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये जो आज हुआ है ये शुद्धतः तेजस्वी यादव के प्रयासों से हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत है, नीतीश कुमार की नहीं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के प्रयासों को जगह पर पहुंचाने का काम किया, बस उतना ही। तो हम खरीदते हैं सामान फ्लिपकार्ट से लेके जो आता है उसको थैंक यू जरूर बोलते हैं, लेकिन सामान वो थोड़ी दिया है हमको, पैसा हम दिए हैं, बेचने वाला कोई और है, भेजने वाला कोई और है, बस मैसेंजर है। तो नीतीश कुमार मैसेंजर है, क्रेडिट न ले। ये चलेगा कल परसों, अभी देखिए ना कहानी अभी चलेगा, अभी तो इसी पे पंचनामा करना होगा ढेर। तो प्रदेश में 36% जो हैं वो ईबीसी हैं, ये आंकड़ा जो सामने आया है। पिछड़ा जो है वो 27%, अब 1-2% हम नहीं बताएंगे पॉइंट, वो आप अपने समझिए, उस नाम को नहीं बुझाता है। तो ये 36 और 27 जब जोड़ते हैं तो 63% होता है। ये एकमुश्त जो बिहार में इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए काफ़ी है चुनाव बिहार में जीतने के लिए। तो एक बड़ा बात तो इस 5 पॉइंट में से सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि तेजस्वी की एक बड़ी जीत, और तेजस्वी की जीत की वजह से इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत बिहार में हो गई है। दूसरा, भाजपा इस जातीय गणना में साथ थी, विरोध में थी, साथ थी कि विरोध में थी, ये तो एनडीए गठबंधन में जब नीतीश, ये सवाल भी उसी के साथ चला गया। जी ये सवाल भी उसी के साथ चला गया। बिल्कुल, भाजपा जब ये जातीय गणना की मांग चल रही थी तो साथ में गए थे नीतीश कुमार के, भाजपा के कई लोग जैसे जनक चमारी लोग गया था बिल्कुल। जब आया तो फिर विरोध में थे, और जनक चमारी विरोध में नहीं थे, जो सवर्ण कुछ थे या कुछ और लोग थे वो लोग विरोध में थे। फिर आपको पता होगा कि इसके खिलाफ मैंने भाजपा ने एक्सपोजर किया था कॉन्फ्रेंस करके कि इसको रोकने के लिए कोर्ट में गया लोग, ये वो फला, उस जो एजेंसियां गई थी, जो इकाइयां गई थी उनके पीछे भी भाजपा का हाथ निकला था जदयू के खुलासे से। ये भी साबित हो गया कि कहीं ना कहीं भाजपा इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है, दिमागी काम नहीं कर रहा है। सपोर्ट करें, विरोध करें। अब कृष्णा सिंह कलू कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, माझी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है इसको लागू कर दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले मुझे भी नहीं किया, घट कैसे गया। कुशवाहा बिहार में ज्यादा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुशवाहा का जो दिखाया जा रहा है आंकड़ा, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, क्यों सवाल खड़ा करूँगा, एक संवैधानिक संस्था ने किया, इतना मेहनत किया हमारे देश के प्रदेश के लोगों ने और अधिकारियों ने, इतना समय बर्बाद हुआ इसमें, इतना पैसा 500 करोड़ इसमें बर्बाद हुआ, 500 करोड़ खर्चा हुआ, तो हम सवाल क्यों खड़े करेंगे। लेकिन इसमें एनडीए कन्फ्यूज है। सम्राट चौधरी बोले कि हम पढ़ के आएंगे तब इस पर जवाब देंगे, मैंने इनके चैप्टर के बाहर का था, इनके सिलेबस के, सम्राट चौधरी के सिलेबस के बाहर का था क्वेश्चन। अब इस पर सबसे जो समझदार बयान दिया है वो दिया है पुराने चावल भाजपा के सुशील मोदी ने, उन्हें बहुत स्मार्टली कह दिया कि भाई देखिए तो अब हुआ, हमने सपोर्ट किया इसको तब हुआ, ऐसे थोड़ी हुआ है, अब इस पर एक्शन लेना होगा। कहीं ना कहीं सही बात कहा है उन्होंने। अब जिसकी हकमारी हुई तो उसको जवाब दीजिएगा ना। है उस लड़के ने लिखा था, कुशवाहा समाज का एक लड़का था, उसने लिखा था कि 15 में बंटवारा है, आप 87% हमारा है, 87% हमारा, उसमें जो ओबीसी ईबीसी और जो एससी एसटी है उनको सबको जोड़कर वो आंकड़ा उसने निकाला। तो इससे क्या साबित होता है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जनसंख्या प्रदेश में इसमें रहती है और सवर्ण यहाँ अल्पसंख्यक है, ये बात साबित होता है इस नीतीश कुमार के आंकड़े से। अब देखिए दो तो बातें हमने बता दी आपको कि भाजपा भी इस पर पूरी तरह से फंसी हुई है। अब यहाँ एक बड़ा फायदा भाजपा को ये जरूर मिलता है कि 10 करोड़ के आसपास हिंदू और 2 करोड़ के आसपास मुसलमान यहाँ होते हैं टोटल जोड़कर, तो 10 करोड़ हिंदू माने भाजपा के एकदम बल्ले बल्ले, लेकिन यही तो गेम है। इसमें 63% ओबीसी और ईबीसी हैं
और 80 से ऊपर 85% से ऊपर इसमें टोटल जोड़ने के बाद पिछड़ा हो जा रहे हैं। तो भाजपा को अगर हराना हो तो ये बड़ा हथियार हो सकता है। तीसरा, महागठबंधन को इसका पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। इस पांच जो बड़ी बातें उसमें से तीसरी बात यह है कि इस जातीय गणना के रिपोर्ट से महागठबंधन को इंस्टेंट लाभ होगा। इसका अंदाजा कैसे लगेगा? इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जदयू कार्यालय और राजद कार्यालय के बाहर, जदयू तो कार्यालय के बाहर फिर भी उतना नहीं, लेकिन राजद कार्यालय के बाहर देखिए एकदम जश्न का माहौल चल रहा है। जदयू ने भी मौके का मैंने नजाकत समझते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेल दिया, ये कहकर अशोक चौधरी के मार्फत से कि भाई अब इस आंकड़े के आधार पर ही हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं, दायरा बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप आरक्षण दे दीजिएगा, एक बड़ा दायरा उसका और बढ़ा दीजिएगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा समाज तो नाराज होगा ही, लेकिन उससे फायदा जिस समाज को होगा वो तो वोट किसको करेगा? राजद को करेगा, महागठबंधन को करेगा, इंडिया गठबंधन को करेगा, उसका फायदा होगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है और ये एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा देखिए इसमें जो समय लगा और जिसे युद्ध स्तर की युद्ध की नीति के स्तर पर इसको किया गया, बहुत तेजी में मतलब काम, जनवरी में काम लगा, कुछ महीने रुके भी गए काम को कोर्ट के इन्फ्लुएंस के बाद, लेकिन फिर भी बहुत तेजी से इस आंकड़े को किया गया कंप्लीट। और इसमें त्रुटियां छोटी मोटी हो भी, बहुत इतना बड़ा जब आंकड़ा होता है त्रुटियां होती हैं, जी बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता है त्रुटि, क्योंकि लगभग डेटा मिला जुला के सही आ रहा है। जातियों में कुछ है लेकिन ओवरऑल आंकड़ा सही आ रहा है। 500 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया सरकार ने, इसमें पेच फंसाने की कोशिश बहुत संगठनों ने की, नहीं पेच फंसा। इस मुद्दे पर मुकेश सहनी भी सरकार के साथ थे जो कि गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, भाजपा भी सरकार के साथ थी, जातीय जनगणना पर लगभग सभी लोग साथ थे। कुछ व्यक्तिगत विरोध हुए थे लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया था, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक इस देश में कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई जिसमें विरोध नहीं हुआ हो। लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती है या आप नहीं दावा कर सकते ये पार्टी इसका विरोध कर रही थी, भाजपा के लोग भी सब सहयोग कर रहे थे, ऐसा नहीं, एका दुका लोग उसमें विरोध कर रहे थे। उसके अलावा देखिए जो एक और बड़ा पॉइंट है वो ये है, बिहार की जनसंख्या 13,07,02,310 आई जो कि अंदाजा था, लेकिन इसमें खास बात ये निकला कि बाहर रहने वाले 53 लाख लोग हैं इस प्रदेश में जिनकी जिनको चिन्हित करने का काम सरकार ने कर लिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि बिहार जो कि एक्सपोर्टर ऑफ क्या कहता है जो पलायन प्रदेश या एक्सपोर्टर ऑफ फोर्स, वो चीज उसको बदलने के लिए सरकार के पास अब रणनीतियां आ सकती हैं। नदी अब सरकार कहीं ना कहीं इसको उपयोग कर सकती है अपने हिसाब से, और इन आंकड़ों से जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अब जातियों आंकड़ों के आधार पर वेलफेयर स्कीम्स आप जातियों के लाइएगा तो जो पलायन कर चुके हैं उनको भी वापस स्थापित करने के लिए, उनको उनका विस्थापन यहाँ जो हुआ है उसको वापस लाने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार व्यवस्था कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में करने का प्रयास किया था लेकिन चूंकि आंकड़े नहीं थे तो नहीं कर पाई। तो अब आंकड़े आपके पास कन्फर्म आ गए हैं। तो ये 5 बड़े पॉइंट्स हैं इस जातीय जनगणना के। अब बाकी तो उस पर हम किसने क्या रिएक्शन दिया वो भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो हमारा जो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।